इतने इतने सारे बुजुर्ग बैठे हैं, उधर भी कभी देख लीजिए। देखिए बता रहे हैं, इधर आ जाइए। हाँ बोल लीजिए। क्या है ना कि कहीं मैंने पढ़ा था लिखा हुआ कि अभी उलझे हैं जरा वक्त को सुलझाने में, समय मिला तो कभी जुल्फे भी तेरी सुलझाऊंगा। क्या बात है ना, अभी जरा उलझे हैं कुछ और कामों में, टाइम मिलेगा तो स्टेज पे चढ़ के आपके साथ नाच लेंगे। जी जी, अच्छा मेरे साथ नाच लेंगे। नाचने का बहुत शौक रहा है। क्या बात है, हम आपका साथ दे देंगे। सर इतनी गहराई से आप कैसे जानते हैं इनको? नहीं जानने के लिए गहराई में थोड़ा जाना पड़ता है, जानने के लिए सिर्फ नजर काफी होती है, और जिससे एक नजर में नहीं जान पहचान हुआ उससे गहराई में भी जाएगा तो फिर। सर कितनी बार मैंने इनको कहा कि बात अगर राज की हो तो इशारों में बता भी देना, कि बात अगर राज की हो तो इशारों में बता भी देना, और हाथ जब भी मिलाओ तो धीरे से दबा भी देना, फिर भी बवाल कर देते हैं। इसलिए कमाल कर देते हैं क्योंकि हम शादीशुदा हैं, इधर उधर देख के काम करना पड़ता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपने इकलौती पत्नी का इकलौता पति हूँ, और सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरी घरवाली चाचा बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, क्योंकि मैं सूरजमुखी और वो चंद्रमुखी, कि मैं सूरजमुखी वो चंद्रमुखी, अरे वो मुझसे दुखी मैं उससे दुखी, किसी दिन गांधी सेतु से नीचे कूद जाए फिर वो भी सुखी और मैं भी सुखी। चूंकि क्योंकि शादीशुदा जो लोग होते हैं वो ना प्यार कर पाते, ना शायरी कर पाते, ना गुस्सा कर पाते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूं कि मैं एक दिन पत्नी के सामने दिलवाले का एक शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, और हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हमारी पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दी कि तुम थे ही गधे तुम्हारे भेजे में कहां दम था, कि तुम थे ही गधे तुम्हारे भेजे में कहां दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके कहा गया था जहां पानी कम था, गांधी सेतु से कूद जाता है ना, और गुस्सा भी नहीं कर पाते। एक दिन गुस्से में मैं मरने जा रहा था, पत्नी गेट पे थी, बोली कहां जा रहे हो, हम बोले आत्महत्या करने, पत्नी बोली झोला लेके जा। मैं सच्ची बता रहा हूं, गुस्से में था आत्महत्या करने, घर से बाहर जा रहा था, पत्नी गेट पे थी, बोली कहां जा रहे हो, हम बोले आत्महत्या करने, पत्नी बोली झोला लेके जा, बोले ससुरी झोला का है, बोले गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो उधर से 2 किलो टमाटर लेके आना। और झगड़ा कभी कभी इतना हो जाता, देखिए चाचा जी कितना खुल के हंस रहे, हमको पता है सर, कोई बात नहीं, कोई लोग घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, कोई घर के अंदर लगाते हैं, कोई बात नहीं। तो चाचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, है ना। और शादीशुदा जिंदगी कहते हैं कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, अरे सल्फस की गोली है, बस चूस कर मजा लीजिए। और कभी कभी झगड़ा भी हो जाए, होता है ना चाचा जी, ये अफवाह नहीं है सच्चाई है। और एक दिन झगड़ा इतना हो गया सर कि झगड़ते झगड़ते सो गए, सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला और थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने खड़ा हो गया। पत्नी बोली वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे हो, काम बोले रे पगली माफी उफी नहीं मांग रहे, आज नाग पंचमी है, नाग इनको दूध पिला रहे हैं। ठीक है सर, थोड़ा काम जाए निपट लेंगे हम। आइए सुश्री तानिया सिंह।
श्री